लखीमपुर खीरी में निर्विरोध राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बनाए जाने पर लखीमपुर खीरी के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर स्वागत करते हुए माल्यार्पण किया गया। हम आपको बताते चले, राज्यसभा सांसद का प्रथम आगमन पर अमर मिलन गेस्ट हाउस में प्रथम आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत करते हुए मोहन वाजपेयी ने चांदी का मुकुट व भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा देकर हार्दिक बधाई दी। रामजी गौतम ने कहा कि मैं हम अपने लखीमपुर खीरी का धन्यवाद देता हूं, जो आज बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज राज्यसभा सांसद बना हूं। पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और जो हमें विश्वास देकर आज इस पद पर पहुंचाया है। हम उनको व जनता को कतई निराश नहीं होने देंगे। गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े व सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि 2022 का चुनाव लखीमपुर खीरी की सभी सीटों पर जीत हासिल कर सके। इसी बीच में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पंकज शुक्ला, लखनऊ मंडल सेक्टर प्रभारी उमा शंकर गौतम, माया प्रकाश, कुंवर रवि चौधरी आदि लोगों के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सर, हमारे चैनल में सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से सर राज्यसभा के सांसद आप निर्विरोध चुने गए हैं, इस संबंध में लखीमपुर खीरी की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने आपका भव्य स्वागत किया है। लखीमपुर खीरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लखीमपुर की जनता ने हमारा संदेश दिया है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर और लखीमपुर के अंदर एक भाईचारा बने, और उस भाईचारा के अंतर्गत हम लोग चाहते हैं कि सब समाज के लोग, जो हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सारे लोग पार्टी से जुड़ेंगे, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी जो बात है उसको रखेंगे। उनके साथ में हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम है उनके साथ रहेंगे और आने वाले 2022 में वो चाहते हैं कि अगर इस प्रदेश के अंदर से गुंडागर्दी, बलात्कार, मर्डर, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है वो, और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं मोदी जी, ये सब अगर चाहते हैं तो हमें इनकी सरकार को हटा करके ही माने बहन जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी पूरी टीम, पूरी यूनिट और पूरे एक एक कार्यकर्ता इस बार खून पसीने के को बहा करके आगे पड़ेगा और 22 में हम यहाँ की सत्ता को। 2022 का जो चुनाव होगा, क्या रणनीति रहेगी पार्टी की तरफ से? कि रणनीति हमारे रूप नहीं रहती, रणनीति हम ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जी जान से मेहनत करेंगे और 2022 का लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। सर, एक सवाल आ रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने जो हथकंडे अपनाए थे, सर सारे के सारे धराशाही हो गए, लेकिन जो आपसे उम्मीदें इस जनता व कार्यकर्ताओं ने रखी है कि राज्यसभा में पहुंचने के बाद हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, सर उसके देखिए, इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की और बहुजन समाज की लड़ाई और हक हमेशा रखी रही, तो जी के साथ आवाज के साथ रखा है जी। और अब माने बहन जी ने हमें भी आशीर्वाद दिया है और मैं भी जो कुछ दिन पहुंचूंगा तो कहीं से भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बहुजन समाज की आवाज वहां तक पहुंची जाए, बहुजन समाज की आवाज वहां तक पहुंची जाए, ऐसा आप पूरा आशा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।